नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मोरंग के दुर्घटना प्रसंग से। मोरंग में दुर्घटना में पड़ कर एक के मृत्यु भेल। मोरंग के सुंदर हरैचा नाव में टिपर के ठक्कर लाग कर एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होवे वाला में 11 वर्षीय बालिका लक्ष्मी ढकाल रहल जानकारी प्राप्त भेल। आक्रोश में टिपर के स्थानीयवासी द्वारा आगजनी कैल गेल। घटना के विषय में थप विवरण आव के बाकी रहल। आत्महत्या कैल गेल कहल गेल सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 3 के 34 वर्षक ललिता देवी शाह के हत्या भेल नैहर पक्ष दावी कलक। कल गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में जमा भेल मृतक शाह के परिवार हुनका अपने ससुर रामदेव शाह, साउस सुमित्रा देवी, देवर राम राजकुमार आ पति शंकर शाह के योजना में हत्या का आत्महत्या देखाव के लेल गाछ पर लटकाओल गेल आरोप लगौलक। शनिक साँझ ललिता अपने घर समीप आम गाछ में लटकल अवस्था में भेटल छली। शरीर भर देखल गेल चोट के आधार में हत्या भेल हुनक सबक दावी है। हमर हिसाब से जो मार के लटका देने छे केना से पहले किछो भेल होते की केना नै ते से पहले हमरा जानकारी खबर नै छले जे की भेल छले ओ घर में से कह के सब आगे लगे छे मारने से मार के लटकेने से ओ मार के लटकेने से शंकर शाह ओकर पापा के नाम छे रामदेव शाह यानी एक भाई और के नाम भूल गेल चिन्ह छे था राजकुमार शाह हमर शंका पे छे दीदी के मार के लटका देने छे की कर कर के सब मार लटकल के मार कुट कर ओकर घर वाला सब अगर परिवार सब के लटका दे हमर दीदी छले ओकरो के झगड़ा और करल के रात के खूब को मारल के पीटल के अब भोरे जाकर लटका दल की और हला कर दल के कि लोग जरा अथी करी छे के सब आगल लोग से मारल के लटकल के हमर बिना सास ससुर दियर पति मिल क दीदी के हत्या केने हुनक सबक आरोप रहल है। नैहर पक्ष हत्या में संलग्न रहल कहत ललिता के साउस ससुर देवर आ पति के नाम में प्रहरी में कीटाणी निवेदन सेहो देलक है। एम्हर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालक डॉक्टर कल्पना शाह मारपीट भेल कहत बाकी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद मात्र कह सकबाक बतौलन है। भूमि सुधार तथा मालपुत कार्यालय जनकपुर में काल प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप कड़ेल पहुंचला बाद बिचौलिया से भागा भाग भेल छल। सार्वजनिक कार्यक्रम से मालपुत कार्यालय पहुंचल कड़ेल कार्यालय भीतर फाइल रखने बिचौलिया के नियंत्रण लक पूछताछ केने छला। सेवाग्राही के समस्या के विषय में पूछताछ करत मालपुत के फाट में पहुंचला बाद ओत रहल किछ बिचौलिया सब फरार भेल छल। तत्काल मलाई भन्नुहोस् म ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छु भन्नु तपाईँले भन्नु पऱ्यो कि भन्नुको कारण के भने तपाईँ कहाँ कहाँ भन्नुहुन्छ लोकल भाषामा भन्नुहोस्। परिसर में रहल सेवाग्राही के उपराग सुनित श्री ओकड़ेल मालपुत प्रमुख मोहम्मद इजहार आलम से सेवाग्राही के समस्या संबोधन कर लगौने छला। से बेसी पैसा मंगाई छी ना लागल है दोस्तों से बेसी तब मंगाई छी तो हमरा आगे कम्प्लेन करू तो कार्रवाई हम नहीं करब और काम भी तुरंत होए काम में कोनो ढीला सुस्त होए तो आगे खबर हम करू। धन्यवाद। ओहि क्रम में सेवाग्राही सब कर्मचारी के व्यवहार प्रति असंतुष्टि समेत जनौने छल। दस बजे के टाइम हुन्छ 11 बजे काम स्टार्ट होइन त्यो गाउँ बलोको जग्गाले हामीले होइन बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रो त अर्को जमिन केही छैन जनकपुरमा होइन जो कि त्यो राखेर हामीले बिजनेस गरिरहेको छ होइन त्यो बिजनेसको सिलसिलामा हामीलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहियो अनि हामीले करिब 50 चोटि नापी शाखामा बाद सिडिओ कडेल नापी कार्यालय सेहो पहुँचल छल। नापी कार्यालय पहुँचकर सिडिओ कडेल कर्मचारी के टेबल में राखल गेल रुपैया के हिसाब किताब करय लगौने छल। काटल रसीद आ कर्मचारी से मिलल रुपैया में एक रूपता नहीं भेटल। नापी में नक्शा के लिए 6 दिन धरि दौड़ पड़ल सेवाग्राही के उपराग रहल कहते सेवा में सुधार कर कड़ेल कार्यालय प्रमुख शत्रुघ्न यादव के निर्देशन दलन। अनुसार प्रमुख जिला अधिकारी आ प्रहरी सब सहित विभिन्न स्थान में अनुगमन कक नशीला पदार्थ सहित 6 व्यापारी के पकड़ लगे। प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया सहित के टोली काल जनकपुर धामक विभिन्न स्थान में अनुगमन कक 6 व्यापारी के नियंत्रण में लेलक। अनुगमन टोली व्यापारी सबक संग से किछ बोरा नशीला पदार्थ भांग बरामद कलक। विक्रेताहरूले भारत सीमावर्ती भारतबाट चोरीको बाटोबाट सामान ल्याएर बजारमा बेच्छन् भन्ने कुरा तत्काल मौकामा बरामद भएका साउजीहरूबाटै यो कुराको जानकारी हामीले पायौँ।
त्यस्तो बरामदी मुचुल्का र उहाँहरूको घटनामा खिचेका फोटोहरू उहाँहरू केही व्यापारीहरू भाग्न खोजेको अवस्था केही मानवीयताको साथमा अलिकति चिटचिटावट देखिएको अवस्था छ। यो अहिले जति पक्राउ पर्यो यति नै पर्याप्त भन्ने होइन, यो ठुलो सङ्ख्यामा हुनसक्छ छ। यसको निस्तेज निराकरण गर्नको लागि आम सञ्चारले सामाजिक सन्देशमूलक चेतावनी समाजमा टोली मुरली चौक जानकी चौक आ रामानन्द चौक में अनुगमन केने छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातिका प्रसाद यादव संघीय सरकार पुनर्संचालन के लिए तैयारी केने जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड प्रदेश सरकार कब्जा करे लागल आरोप लगौलने। काल जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का मंत्री यादव अपना मंत्री भेला बाद प्रदेशक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत संग कारखाना पुनर्संचालन के लिए बातचीत केने आ मुख्यमंत्री राउत से हो सकारात्मक जवाब देने कहते कारखाना परिसर प्रदेश सरकार कार्य प्रयोजन में प्रयोग करे लागल प्रति असंतुष्टि व्यक्त कलन। मधेश के अब उद्योग सब नहीं चलब के तो कोनो बात नहीं, लेकिन हमारा जो सहमति की भले कि चलाएल जाए ते के चलते हम काठमांडू में से करीब 3-4 टोली बहरिया सब अल तो हम सब लगानी करब कह कर उनका सबके लाइव के भेजली देख लगी उस सब देखो के जा रहा है। एगो टीम तक कहल के हम सब अब आब रहा टेक्निकल टीम सब लग हम सब उ चीज अथी करबे कह तो हम सब कहे कि एत एरिया है ओत एरिया है कि वही से बैठ के कहे है ना आब ते मतलब चुरोट कारखाना के बोर्डो नहीं छोड़ देने हुनक कहब चुरोट फैक्ट्री अखनी तोरी नहीं चलते सरकार आब नहीं चलते कि निर्णय नहीं कहने और चुरोट फैक्ट्री के बोर्ड हटा देना है ओएन लैब के मतलब मुख्यमंत्री के मतलब कार्यालय के बोर्ड लगा देना है ई बढ़िया वाला बात नहीं छे। अइ बारे में मधेस के जनता सब सोचो जनकपुर के जनता सब सोचो है ना अखन के तो हम आइए पहले तो हम उद्योग नहीं चला देंगे उद्योग चलाना है तो तुरंत नहीं मुख्यमंत्री के बोर्ड लटकाना है जी का सिगरेट फैक्ट्री किया आवश्यक कहते संचार कर्मी के ने प्रश्न में मंत्री यादव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रक सिगरेट फैक्ट्री के विरोध कर देखावत चुनौती दिलन। ओ यूरोप में खुला सड़क में व्यक्ति आ महिला सिगरेट खा कर धुआं उड़बित आयल कहत विकास विरोधी बात नहीं कर आग्रह कलन। ज्ञानेन्द्र की फैक्ट्री चली हुई क्यों नहीं क्वेश्चन उठ रही है ना ज्ञानेन्द्र की फैक्ट्री चली चुरोट के कौन नहीं मीडिया वाला बजे ही कुछ आने को मानवाधिकार वादी बजे आई फैक्ट्री के बात करे को जरूरी नहीं मतलब अहन के लोग सिगरेट पीती से वाला बात नहीं यूरोप समय तो पूरे धुआं उड़बित रही घर वाली घर वाला सब पीत रही मोगी मर्दवा सब आगे धुआं छोड़ित रही हुई है। एक फरक प्रसंग में मंत्री यादव धनसाक सबेला में करेंट लाकर 6 गोटे के मृत्यु भेल घटना दुखद रहल कहत मृतक परिवारजन प्रति संवेदना समेत प्रकट कलन। प्रदेश नंबर 2 में भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल झा महिला हिंसा मात्र नहीं भ पुरुष हिंसा सेहो क हिंसा नहीं हेबाक वातावरण बनाओल देवा में जोर दिलीन क्रियाशील महिला पत्रकार धनसा WWJ सामाजिक अपराध न्यूनीकरण में जनप्रतिनिधि के भूमिका विषय में केने कार्यक्रम में राज्य मंत्री झा कोनो हिंसा समाजक लेल नीक नहीं हेबाक बतौलन। हम पहले भी काज करले छी अभी अपने सबसे वचनबद्धता दे छी कि ए में भी हम सब जे उचित निर्णय होते ऊपर पहुंचे के लेल हम यहाँ के सुरक्षा कर्मी के भी निर्देशन करबै। अध्यक्ष रिंकू मिश्र गायत्री के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में महिला अधिकार कर्मी सब महिला हिंसा न्यूनीकरण के लेल कड़ा एन कानून के आवश्यकता में जोर देने छली। अपन समाचार में अखन व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। तनाव के बीच प्रतिनिधि सभा से पास भेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आई राष्ट्रीय सभा में पेश भ रहल अछि। राष्ट्रीय सभा के बैसक आई सोम दिन भोर के 11 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बैठक अवरुद्ध करे के तैयारी कलक अछि। एहिसँ पहिने माघ 11 प्रतिनिधि सभा कांग्रेस सांसद के हो हल्ला के बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास केने छल। अनशनरत डॉक्टर गोविंद के सी संघ सरकार विगत में केने सहमति आ समझौता के विषय सब विधेयक में नहीं समेटला सा आ अपन नेता सब के नाम में
खोलल गेल अस्पताल सरकार विघटन करय चाहने कहत कांग्रेस विरोध करैत आबि रहल छै। विधेयक माफिया के पोषक ढंग से आनल गेल कहत त्रिवी शिक्षण अस्पताल के प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी पूछ 25 गत्ते से आमरण अनशन में बैसल अछि। अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा के मांग करैत चिकित्सक सब आइ से रिले अनशन में बैसे लागल अछि। चिकित्सा शिक्षा सुधार लगात मांग रखैत पूछ 25 गत्ते से 16 बेर अनशन में रहल डॉक्टर केसी के मांग पूरा कर सरकार आनाकानी के न कहत नेपाल चिकित्सक संघ रिले अनशन में बैसे लागल अछि। नेपाल चिकित्सक संघ के अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठ केसी के जीवन रक्षा के लेल सरकार कोनो पहल नहीं केला बाद रिले अनशन में बैसे बाध्य भेल बतौलनि अछि। संघक अनुसार अनशन भोर 10 बजे से सांझ 5 बजे तक संचालन होयत। उपत्यका के चिकित्सक सब त्रिवी शिक्षण अस्पताल आ जिला बाहर के चिकित्सक सब अपना कार्यरत अस्पताल व संघ के शाखा कार्यालय में धरना देबाक जानकारी देलनि। देश भर करीब 8,000 संघ संबद्ध चिकित्सक रहल दावी अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नागरिकता जांचबूझ के लेल आयोग गठन कर कानूनी व्यवस्था करबाक सरकारक प्रस्ताव अस्वीकार कऽ देलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद भरत कुमार शाह नागरिकता जांचबूझक लेल आयोग गठन कर कानूनी व्यवस्था करबाक सरकारक प्रस्ताव स्वीकार नहि हेबाक अड़ान रखलनि अछि। काल्हि संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करय बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ जन्म के आधार में नागरिकता लेने सबक जांचबूझ कर आयोग गठन कर परबाक प्रावधान राखल गेल पर आपत्ति जनौलनि। सांसद शाह नागरिकता संबंधी विषय में जांचबूझ कर आयोग गठन करबाक अधिकार सरकार के रहल कहत ओहि के कानून में उल्लेख कर आवश्यक नहीं रहल तर्क रखले। 2 वर्ष को कट आउट को समय दिए हमले जन्म का आधार में नागरिकता दिए होते थे अब कहीं पर्यो होला कहीं लोड़ काम करता कि तल माथि हुन सक्छ त्यो सामान्य कुरा हो तर के छ भने ऐन बनाउँदै जाने यसमा ऐन भित्र छानबिन आयोग बनाउँदै जाने भने संसारमा कहीं सरल नै हुँदैन। त्यस्तो कुरा गरेर यहाँ यो कुरा गरेर हामी जाने हो भने कुनै ऐन बनाउँदा कति ज्यान मारो उनलाई 20 वर्ष कैद बनाउँदा कति ज्यान मारे छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने भनेर त्यहाँ लेख्दै जाने त्यो सम्भव नै हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू हामी जानु हुँदैन। सरकारलाई अधिकार छ आयोग जहिले पनि बनाउन सक्छ जुन आयोग बनाएर छानबिन पनि गर्छ अहिले पनि गरोस् सरकारले गलत दिएका छन् भने कारवाही गरोस् जेल हाल। समितिको दोस्रो सदस्य एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण सरकार सँ नागरिकता जाँचबुझक विषयमा आयोग गठन गर्बाक कानूनी व्यवस्था गर्बाक प्रस्ताव आनल गेल पर आपत्ति जनौलनि। ओ सरकार के विदेशी नागरिक संग विवाह नै गर्बाक प्रस्ताव आन सेहो चेतावनी देलनि। विभिन्न किसिमका 1950 को संधिलाई संशोधन गर्नको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू गर्दैछौँ। त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने अहिलेसम्म पनि संशोधन भएको छैन भने लागू छ भन्ने कुरा मुख्य छ। विधेयकमा नागरिकता जाँचबुझक लेल आयोग गठन गर्नका प्रावधान राखल गेल अछि मुदा ओहिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका आपत्ति रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अगिला सोम दिन सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन कर लागल अछि। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के काल्हि बैसल बैसार अगिला 21 गते सोम दिन देश के सब जिला सब में पार्टी जिला कार्य समिति के नेतृत्व में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करबाक निर्णय कयलक अछि। सरकार अपना सबक विरोधक बीच राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित केने आ पार्टी के पूर्व सभापति द्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला आ सुशील कोइराला के नाम में स्थापना कयल गेल 2 अस्पताल खारिज करबाक प्रयास केने कहत कांग्रेस ओहि विरुद्ध 77 जिला में प्रदर्शन कर लागल अछि। कांग्रेस निर्मला पंतक हत्यारा के एखनो पता लगाब नहीं सकल। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता के अनुपस्थिति में संवैधानिक परिषद के बैसार बैसा कर निर्णय केने लगायत के विषय प्रति सेहो आपत्ति जनबैत सरकार के आलोचना करैत आयल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल आमरण अनशन फिरता लेबा डॉक्टर गोविंद केसी के आग्रह कयलनि अछि। मंत्री पोखरेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक में डॉक्टर केसी के सेहो सहमति रहल कहत ओहि के कार्यान्वयन में लजबाक वातावरण बनाबा सबके प्रयास कर आग्रह कयलनि। डॉक्टर केसी राजनीतिक मुद्दा उठा कर अपन ऊंचाई घटौने आरोप समेत लगौलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल सरकारक राजीनामा मंगबाक लगायत के विज्ञप्ति जारी कर डॉक्टर केसी अपन ऊंचाई घटौने बतौलनि अछि। मंत्री पोखरेल फागुन महीना भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना चुकबाक घोषणा सेहो कयलनि अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत अछि। आब बाकी के प्रसंग
बढ़त गेल सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण कर सिरहा जिला ट्रैफिक प्रहरीकारले अभियान संचालन कलक दुर्घटना न्यूनीकरण कर ट्रैक्टर के टेलर के पछा रिफ्लेक्टिंग स्टिकर सटवाक अभियान काल से शुरू कल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरीकारले लहान के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मिलन बस्नेत जानकारी दिलन। ट्रैक्टर के पछा बत्ती नहीं भेला से खासकर रात के समय दुर्घटना होबाक संभावना बेसी रहला से टेलर के पछा चमक वाला किस्म के रिफ्लेक्टिंग स्टिकर सटवाक अभियान शुरू कल गेल। बतौलन अभियान सवारी दुर्घटना में कमी आवे वाला प्रमुख बस्नेत विश्वास व्यक्त कलने तहिना तीव्र गति के कारण भ रहा दुर्घटना कम कर हाईएस आ टिपर के गति नियंत्रण करवाक तैयारी भ रहा से हो सिरहा ट्रैफिक जानकारी करौलक। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था बुझाव बाकी बकौता रकम वसूली के लिए तत्काल प्रक्रिया आगा बढ़ाव सरकार के निर्देशन दिलक। समिति के सिंह दरबार में बैसल बैसार दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था सब बुझाव बाकी बकौता रकम वसूली के लिए तत्काल प्रक्रिया आगा बढ़ाव संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन दिलक। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था सब 2,96,65,85,000 रकम बाकी रहल उठाव तथ्यांक किसी दिन पहले सार्वजनिक केने छला। समिति अनुमति पत्र अनुसार सेवा संचालन नहीं करे वाला दूर संचार कंपनी सबके यथाशीघ्र प्रारंभ करवाक अथवा एना नहीं कला पर अनुमति पत्र खारिज प्रक्रिया आगा बढ़ाव विलंब नहीं कर सरकार के निर्देशन दिलक। 4G सेवा विस्तार करब कहत नेपाल टेलीकॉम आगा बढ़ौने टेंडर आह्वान प्रक्रिया प्रति सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सब असंतुष्टि जनौलक। काल संघीय संसद अर्थ समिति के बैसार में सत्तारूढ़ नेकपा के सांसद राम कुमारी झांकरी 4 अरब में संपन्न होवे वाला काज के 22 अरब खर्च क सेवा विस्तार किया कर पड़ल कहकर प्रश्न कलन। ओ नेपाल टेलीकॉम 4G सेवा के नाम में बहुत आर्थिक घोटाला केने आशंका करत तत्काल जांच बुझ कर से हो सरकार से मांग कलन। एनसेल 4 अरब में संपन्न केने काज के नेपाल टेलीकॉम 22 अरब के बजट एस्टिमेट क आर्थिक षड्यंत्र कर चाहने आरोप लगौल। 3-4 अरब में 2 अरब में होने काम 21 अरब में करना पर्यो भन्नुभएको छ। के हो भने 15% भेरिएसन में सुविधा प्रयोग गर्नुभयो कि भएन। 15% को भेरिएसन तो एमडीलाई दिएको अधिकार हो। तो भन्दा उपल्लो निकायमा जाँदा तो भन्दा धेरै उहाँहरूले गर्न सक्छ। एक लौटी प्राइवेट सेक्टरलाई बजार दिने हामी काम गर्दैछौँ भनेर फाइल अड्काएर राख्ने झुन्डाएर राख्ने त्यस पछाडि अपग्रेड होइन नयाँको नाममा थुप्रै खर्च गर्ने त्यहाँभित्र अनियमितता गर्ने र अर्को फेरि भविष्यमा आउने 5G को लागि त्यसरी नै खर्च गर्ने र यसरी हेर्दा चाहिँ टेलिकम टाटो लिने अवस्था देखिँदैछ। यो कुराका लागि हामी सचेत भएका हौँ। हिँ अस्तिको उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट सन्तुष्ट हुने कुरा देखिएन। मैले यो अख्तियारको क्लिन चिट भन्ने भएपछि यो अख्तियारको पत्र पनि भने यो टेलिकमले चाहिँ समयानुकूल प्रविधिलाई सत्तारूढ़ नेकपाक दोसर सांसद भेटमणि चौधरी टेलीकॉम के 4G सेवा विस्तार संबंधी परियोजना में आर्थिक षड्यंत्र भेल को भ सकबाक आशंका व्यक्त कलिन। 40 लाख कस्टमर को 2,31 करोड़ में मात्र संपन्न होने अब यह विषय में हमें वहाँ अब एकदम बुझ्पर्ने जरूरी है। तेज चिया को जो अपग्रेडिंग करने कुछ न्यू प्रोजेक्ट सुरू करने अब धेरे बुझे सांसद चौधरी नेपाल टेलिकम के ई परियोजना के पारदर्शी तरीका से आगा बढ़ाव से हो सरकार के सचेत करो लेने बेस्त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।